फेसबुक के जरिए एसटी में कार्यरत एक विवाहित महिला से शादी करने का लालच देकर 2 सालों तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने और पैसे ऐंठने वाले एक युवक को पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत के बाद गिरफ्तार कर लिया है। फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर पहले दोस्ती कर एक युवक ने एसटी में कार्यरत एक विवाहित महिला से शादी करने का लालच देकर 2 साल संबंध बनाए, उससे पैसे भी ऐंठ लिए, लेकिन वापस करने में आनाकानी करने लगा। इस मामले में पीड़ित महिला की शिकायत पर गणेशपेट पुलिस ने आरोपी सतीश पूरन लाल फर्दे उम्र 37 वर्ष पैराडाइज हिल वादरा हिंगना निवासी को दुष्कर्म का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि करीब 2 साल तक आरोपी पीड़िता को अलग अलग जगह ले जाकर उसका उत्पीड़न करता था। वह पीड़ित के वेतन से हर माह पैसे भी लेता था। शादी के बाद पैसे वापस करने की बात करता था। आखिर में आरोपी ने पीड़िता से शादी करने से इनकार कर दिया और उसे पैसे भी वापस नहीं किए। इसके चलते पीड़िता काफी तनावग्रस्त थी। आखिर में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ गणेशपेट थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को धारा 376(2)(n) के तहत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की अधिक जाँच कर रही है। त्याच्यानंतर तिचं एक विवाहित पुरुषाशीच ओळख झाली, फेसबुक माध्यमांद्वारे ओळख झाली। त्याच्यात तिला माहीत नव्हतं हा विवाहित आहे म्हणून, ती विवाहित होती याला माहीत होतं पुरुषांना, परंतु त्या विवाहित महिलेला त्यांनी आमिष दिलं की आपण लग्न करू। त्याच्या हिशोबाने नोव्हेंबर 2020 पासून ऑगस्ट 2022 पर्यंत यांचं प्रेमसंबंध चालला। त्याच्यातच एक दिवस आमच्या एरियात आले, आमच्या एरियाच्या लॉजमध्ये थांबले होते, तिथं संबंध आलं आणि शेवटी ती तगादा धरली की लग्न करायला पाहिजे, पण तो लग्नास नकार दिला। त्याच्यामुळे त्या माणसाला आम्ही गुन्हा दाखल करून त्या माणसाविरुद्ध गुन्हा त्याला अटक केलं। PSI कोलारी हे तपास करत आहे। आरोपी सध्या PCRमध्ये आहे। आरोपी खाजगी कंपनीत आहे, मॅनेजर आहे, आणि ती महिला पण खाजगीतच काम करते। ते लग्न न केल्यामुळे ते गुन्हा दाखल झाले। नाही, त्याचं काही जुना गुन्हेगारी वृत्तीचं नाही आहे, त्याच्यावर काही रेकॉर्ड नाही आहे। NBCN News के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षा अंसारी की रिपोर्ट।